देखिए बेटा, डिटरमिनेंट्स में हम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रॉपर्टीज में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे को क्वेश्चन दिया जाता था या जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले एडिशन देखते थे कि एडिशन से क्या काम बन जाए, सब्ट्रैक्शन से बन जाए या मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड वाला प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में जो आज की क्लास में मैं करा रहा हूँ वो एक वर्ड लिख देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग। क्या वर्ड लिख देता है? विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग के केस के अंदर बेटा जो हम लास्ट में पहले क्वेश्चंस के अंदर ये कर दिया करते थे कि जब दो जीरो बनाते थे एक्सपेंड कर देते थे, वो हमें एक्सपेंड नहीं करना। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं 99% उन केसेस के अंदर वो जीरो मांगता है। आंसर क्या मांगता है? जीरो। तो वो कैसे बताएंगे? या तो कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो। हमारे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारी क्या हो जाती है? जीरो। देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग Without expending, prove that column wise look at determinant 1 1 1 BC AC AB A into में B plus C B into में C plus A C into में A plus B equal to 0। करने का तरीका सॉल्यूशन देखिए। लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 बी सी ए सी ए बी ए इंटू में बी प्लस सी बी इंटू में सी प्लस ए सी इंटू में ए प्लस बी। विदाउट एक्सपेंडिंग के केस में बेटा ये ध्यान रखा जाता है या तो दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो। जैसे कि मुझे दिख रहा है अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास AB plus BC plus AC कॉमन आ जाए। कैसे? देखिए हम ये करते हैं C2 चेंज टू C2 plus C3 C2 चेंज टू C2 plus C3। डेल्टा क्या है? 1 1 1 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ आ गया ए इंटू में बी प्लस सी बी इंटू में सी प्लस ए सी इंटू में ए प्लस बी। क्या कॉमन आ गया बेटा? AB plus BC plus AC from C2। तो डेल्टा हमारे पास क्या है बेटा? AB plus BC plus AC common अंदर हमारे पास क्या है? 1 1 1 1 1 1 A into में B plus C B into में C plus A C into में C1 और C2 क्या हो गया बेटा? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो। तो लिखेंगे आप C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। हां जी क्लियर है पॉइंट? बोलिए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? विदाउट एक्सपेंडिंग। आप देखिए मैंने एक्सपेंड नहीं। सेकंड क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट
रो वाइज लिखूंगा बेटा, 3x3 का डिटरमिनेंट है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन देखो, लेट डेल्टा इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस। सबसे पहले एडिशन सोचना चाहिए, एडिशन से कुछ कम लगता है, क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग के केस में या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो जीरो। अब मुझे दिख रहा है अगर मैं आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दूंगा तो आर वन के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो। तो आर वन चेंज टू R1 change to R1 plus R2 plus R3, तो डेल्टा क्या है 0 0 0, B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B, B minus C, तो रिजल्ट क्या आ गया 0, रिजल्ट क्या आ गया 0, क्योंकि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता बेटा 0। एक और क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 2 to the power x प्लस 2 to the power -x होल स्क्वायर, 3x3 का डिटरमिनेंट है, रो वाइज लिखेंगे 2 to the power x माइनस 2 to the power -x होल स्क्वायर ये बात, 3 to the power x प्लस 3 to the power -x होल स्क्वायर, 3 to the power x माइनस 3 to the power -x होल स्क्वायर 1, 4 to the power x प्लस 4 to the power -x होल स्क्वायर, 4 to the power x माइनस 4 to the power -x होल स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। लेट सॉल्यूशन में देखिए बेटा, लेट डेल्टा इक्वल टू 2 to the power x प्लस 2 to the power -x होल स्क्वायर, 2 to the power x माइनस 2 to the power -x होल स्क्वायर 1, 3 to the power x plus 3 to the power -x whole square, 3 to the power x minus 3 to the power -x whole square 1, 4 to the power x plus 4 to the power -x whole square, 4 to the power x minus 4 to the power -x whole square 1। अब मैं इसमें देख रहा हूँ बेटा, अगर हम ये कर दें c1 change to c1 माइनस सी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 4 4, c1 चेंज टू c1 माइनस सी, ये रिजल्ट आएगा 2 to the power x माइनस 2 to the power -x होल स्क्वायर, 3 to the power x माइनस 3 to the power -x होल स्क्वायर, 4 to the power x माइनस 4 to the power -x होल स्क्वायर 1 1। ये कैसे आया माइंड में आता है कि ये चीज कैसे बनी 4 4 4 कैसे आया? आप देखिए, मैं पहले 2 to the power x प्लस 2 to the power -x को आपको लिए, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ, 2 to the power x प्लस 2 to the power -x होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x होल स्क्वायर प्लस 2 to the power -x होल स्क्वायर प्लस 2 into 2 to the power x into 2 to the power -x, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया बेटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 to the power x प्लस 4 to the power -x प्लस 2। ये कैसे लिखा बेटा, ये ध्यान रखना आपने,
root 2 का पावर माइनस x होल स्क्वायर कह दो या 2 स्क्वायर 2 का पावर माइनस x एक ही बात होती है, दैट इज 4 टू द पावर माइनस x। हां जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए कि इस तरीके से आएगा। तो अब इसके अंदर ये कितना है बेटा, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x है। ऐसे हम किसको खोलेंगे बेटा, इसको खोलिए 2 टू द पावर x, हां जी इसको खोलिए बेटा 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर माइनस x, क्या आता है बेटा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू में 2 टू द पावर x इनटू 2 टू द पावर माइनस x। हां जी क्लियर है पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर माइनस x माइनस 2, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, क्यों because 2 to the power x into 2 to the power minus x equal to 2 to the power x into 1 over 2 to the power x। अगर हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि c1 का पहला एलिमेंट ये है, c2 का पहला एलिमेंट ये है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं सबट्रैक्ट, अगर मैं जो c1 का पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये है, जो c2 का पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये है, अगर आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 कितना होगा, मैंने लिख दिया c1 का पहला एलिमेंट को, सिमिलरली इन दोनों में भी यही चलेगा और इन दोनों में भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सब पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, अब c1 में से क्या कॉमन आ रहा है 4, लिखिए टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम c1, टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम c1, तो डेल्टा क्या आएगा बेटा 4 बाहर 1 2 टू द पावर x 2 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर 3 टू द पावर x 3 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर 1 1 1, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ कॉमन आता तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमारा c1 और c3 क्या हो गया आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो आप लिखेंगे c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो डेल्टा हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, डेल्टा हमारा किसके बराबर आ गया 0। हां जी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी a प्लस b इक्वल टू बी, ठीक है करने का तरीका सॉल्यूशन देखिए, लेट डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर b c b प्लस c c स्क्वायर a स्क्वायर c a c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a b a प्लस b विदाउट एक्सपेंडिंग में क्या है, या तो कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, ये मतलब होगा, ठीक है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, क्या हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू, अब हम इसमें अगर ये कर दें आर वन चेंज टू ए आर वन आर टू चेंज टू बी आर टू और आर थ्री चेंज टू सी आर थ्री, इसको ए से मल्टीप्लाई करा दो इसको बी से इसको सी से, अगर मैं किसी रो को किसी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और आगे मैं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो उस अल्फाबेट की एडजस्टमेंट बार होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम किसी रो को
किसी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के छोड़ देते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बाहर डिवाइड में लगाएंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1/ABC। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है जी। इधर क्या आएगा बेटा, ए इसको हम बी से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी सी बी सी प्लस ए बी, इसको सी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी, यहाँ क्या आएगा बेटा, ए सी प्लस बी सी, क्या कॉमन आ रहा है, ए बी सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू, लिखिए टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू, डेल्टा क्या आ गया बेटा, ए बी सी बाहर आएगा होल स्क्वायर में, ये ए बी सी नीचे है क्योंकि इसमें से भी ए बी सी कॉमन लेगा और इसमें से भी ए बी सी कॉमन लेगा, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया बेटा, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या बनेगा बी सी, फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा ए सी, और तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा ए बी, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होंगे 1 1 1, थर्ड कॉलम क्या हो गया ए बी प्लस ए सी, उसके बाद बेटा बी सी प्लस ए बी, उसके बाद ए सी प्लस बी सी, हाँ जी क्लियर है पॉइंट। अब आप ये देखिए बेटा C1 और C3 क्या हो गए आपके, अगर हम C1 और C3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB plus BC plus AC भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन से दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल होंगे। तो अब मुझे दिख रहा है अगर मैं ये कर दूं C1 चेंज टू C1 plus C3 तो डेल्टा क्या आएगा बेटा, ABC